हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तलत फूड। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेनिला आइसक्रीम जो बहुत ही इजी और टेस्टी बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 कप वेपिंग क्रीम मैंने ले लिया है जो केक में डाला जाता है, अब हम उसे वेप कर लेंगे। कंडेंस मिल्क है जो 1 कप मैंने डाला है, ये होममेड है। देखिए मैं इसमें चीनी 1 चम्मच डाली हूँ क्योंकि वेपिंग क्रीम भी हमारा मीठा ही होता है, और 1 चम्मच वेनिला एसेंस। अब हम इसको अच्छे से वेप कर लेंगे। ये वेप हो चुका है, आइए अब हम एक कंटेनर में डाल देंगे और इसे 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। तो 2 घंटा हो चुका है, आइए हम देखते हैं क्या हाल है हमारे आइसक्रीम का। तो कहीं पर लिक्विड है, कहीं जमा है, तो इसे हम 1 चम्मच के मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर से 2 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देंगे। 2 घंटा पूरा हो चुका है, आइए देखते हैं, अभी भी लिक्विड है और कहीं जमी हुई है। तो इसे मैं एक बार फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है। आप भी बोलेंगे कि कभी रखवाती हैं फिर निकालती हैं, फिर रखाती हैं फिर निकालती हैं, तो इसका ये कारण है कि दो घंटे पर अगर आप इसे चम्मच से मिक्स करेंगी तो ये पत्थर नहीं बनेगा। और दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा आइसक्रीम हमारा। अब हम इस वक्त एक प्लास्टिक के रैपर से इसे अच्छे से कवर कर देंगे, और बचा हुआ जो ऊपर में जो प्लास्टिक का रैपर है इस तरह से इसे अंदर ही मोड़ दीजिए। और ढक्कन लगा दीजिए। अब मैं इसे लंबे टाइम के लिए रखूंगी, 7-8 घंटे के लिए। 7-8 घंटा हमारा हो चुका है, देखिए आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। आइए इसे अब मैं डिश आउट करूंगी। मुझे थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम अच्छी लगती है, घुली घुली। अब इसे डेकोरेट कर दीजिए, आप इसे आप रोअब्जा से डेकोरेट कर दीजिए, आप चाहे तो चॉकलेट सिरप से भी इसे डेकोरेट कर सकती हैं। और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, आम बड़ा फैशन में है, तो आम डाल दीजिए, आप चाहे टूटी फ्रूटी भी डाल सकती हैं। कैसी लगी आइसक्रीम आपको? इन दिनों गर्मी है और गर्मी के दिनों में आइसक्रीम बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आइसक्रीम, आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को बजाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास